वेलकम टू द चैनल गाइस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर का लेसन नंबर 4 द जनरेशन गैप के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज रिबेलियसनेस कॉमन इन यंग पीपल? रिबेलियसनेस होता है विद्रोह की भावना के, जो हमारी यंग जनरेशन है उनके अंदर जो ये विद्रोह की भावना कॉमन क्यों है। आंसर, इट इज़ कॉमन बिकॉज रिबेलियसनेस इज अ नेचुरल एस्पेक्ट ऑफ एडोलेसेंस। कि एडोलेसेंस होता है किशोरावस्था, जब बच्चे किशोरावस्था में होते हैं, कि उस उम्र में जो ये विद्रोह की भावना एक नेचुरल एस्पेक्ट है। इट असिस्ट देम इन गिविंग अप द कंफर्ट्स एंड सिक्योरिटी ऑफ होम, अचीविंग रियल इंडिपेंडेंस एंड वर्किंग फॉर प्रोग्रेस। कि मतलब ये असिस्ट करता है उनको, यू कैन से हेल्प करता है गिविंग अप द कंफर्ट्स एंड सिक्योरिटी ऑफ होम। कि बच्चा गिव अप होता है, त्याग देना, कि कैसे घर का जो कंफर्ट है या फिर सिक्योरिटी ऑफ होम उसको त्याग करके बच्चा कैसे अपने गोल के पीछे भागता है, अचीविंग रियल इंडिपेंडेंस। कि जब बच्चा घर छोड़ के ही नहीं जाएगा तो उसको दुनियादारी का नहीं पता लगेगा और कैसे वो फिर उसको इंडिपेंडेंस मिलेगी। वर्किंग फॉर प्रोग्रेस, और जब बच्चा घर छोड़ के जाएगा, बाहर दुनियादारी का सीखेगा, तो वो प्रोग्रेस की तरफ और जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द फर्स्ट फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस ऑन द इंडिविजुअल? कि किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर एक पहला निर्माणात्मक प्रभाव कौन सा होता है? आंसर, द फर्स्ट फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस आर द पेरेंट्स। कि मतलब किसी भी बच्चे के ऊपर जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है ना, वो अपने पेरेंट्स का ही होता है। क्योंकि देखो, हमारे जो पेरेंट्स हैं वहीं से ही हम सब कुछ सीखते हैं इन द स्टार्टिंग स्टेज। इन द अर्ली चाइल्डहुड अ बॉय स्ट्राइव्स टू बी लाइक हिज फादर एंड द लिटिल गर्ल टू बी लाइक हर मदर। कि मतलब बचपन से ही एक जो लड़का होता है वो अपने पापा के जैसा बनना चाहता है या फिर पापा के ही गुण सीखता है, और एक जो गर्ल होती है फीमेल वो अपनी मदर के जैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, डू चिल्ड्रन हैव टू स्टेप इन टू द शूज ऑफ देयर पेरेंट्स? क्या बच्चों को भी अपने माता पिता के पदचिन्हों पर चलने की ज़रूरत है? आंसर, नो, दे डोंट हैव टू स्टेप इन टू द शूज ऑफ देयर पेरेंट्स। कि उनको अपने माता पिता के पदचिन्हों पे जरूर चलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जैसे कि अगर मेरे पापा डॉक्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी वही फॉलो करना है। आपका जो मन करता है, आपको जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको वो करना चाहिए। एज अ चाइल्ड ग्रोज अप ही हैज़ टू बी डिपेंडेंट ऑन हिज पेरेंट्स। कि जैसे एक बच्चा बड़ा होना शुरू होता है तो उसे अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होना पड़ता है। बट एज दे ग्रो अप, अ पर्सन मस्ट ब्रेक ऑफ मोस्ट ऑफ हिज डिपेंडेंस ऑन हिज पेरेंट्स। कि जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे अपने पेरेंट पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, उसे एक इंडिविजुअल बन के बाहर आना चाहिए, तभी वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन ऑर्डर टू बिकम एन इफेक्टिव अडल्ट, व्हाट शुड अ ग्रोइंग चाइल्ड डू? एक बहुत ही प्रभावशाली अडल्ट बनने के लिए आपको, एक चाइल्ड को क्या क्या करना चाहिए? आंसर, He must break off his dependence on his parents. के मतलब अगर आपको एक बहुत ही इंडिपेंडेंट इंसान बनना है तो पहले तो आपके पेरेंट्स पे आपको बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। बट इन ऑर्डर टू बिकम एन इफेक्टिव अडल्ट एन इंडिविजुअल मस्ट डिवेलप आइडियाज़ एंड एम्स ऑफ हिज ओन। के मतलब एक इफेक्टिव अडल्ट बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए? खुद के आइडियाज़ डेवलप करने चाहिए और एम्स को भी आपको बनाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि देखो, पहले तो आप घर की चारदीवारी से बाहर निकलो, और जैसे दुनियादारी में आओगे तो क्या करोगे, आप अपने आइडियाज़ लोगों के साथ शेयर करोगे, और जिस आपके यही आइडियाज़ आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, और सोसाइटी की भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप अपना योगदान दे पाओगे, और यही आइडियाज़ आपके एक एम्स सेट करने में भी आपकी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द सेकंड एलिमेंट दैट मेक्स अप द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल? कि मतलब एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को बनाने के में सेकेंड एलिमेंट क्या है? एंसर, द सेकेंड एलिमेंट इज डिटरमाइनिंग हिज आइडेंटिटी डिपेंड्स ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग हिज रिबेलियन इज एंड वट फॉर्म इट टेक्स। वो क्या कह रहा है कि मतलब देखो, सेकेंड एलिमेंट क्या है, यहाँ पे राइटर ने बताया है कि आपको अपनी डिटरमाइनिंग हिज आइडेंटिटी, कि आपकी आइडेंटिटी किस बात पे डिपेंड करती है, ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग हिज रिबेलियसनेस, कि आपका विद्रोह कितना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कहने का ये है, आपने जो डिसाइड किया है या आपको जो बनना है उसके लिए आपको डटे रहना है, कितना स्ट्रॉन्ग हो आप अपने एम को अचीव करने के लिए। इन वट फॉर्म इट टेक्स, और क्या ये फॉर्म लेगा? इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव
इट मस्ट बी डायरेक्टेड इन टू द राइट चैनल्स. कि मतलब देखो, पहली बात तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि रिबेलियसनेस आपका कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और क्या फॉर्म ये लेगा, और दूसरा इसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इट मस्ट बी डायरेक्टेड इन टू द राइट चैनल्स. कि मतलब सही दिशा में आपको अपनी विद्रोह ही प्रवृत्ति का प्रयोग करना है. कहने का मतलब है पॉजिटिविटी की तरफ जाना है विद्रोही प्रवृत्ति को लेकर. ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे कि आपके गोल्स को या फिर आप जो भी अचीव करना चाहते हैं उसमें बाधा आए. कहने का मतलब है कि जो चैनल्स, यहाँ पे चैनल्स का मतलब है सही डायरेक्शन, कि विद्रोही की विद्रोह प्रवृत्ति जो आपकी वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और सही डायरेक्शन में होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट ब्रॉट अबाउट मैनी ऑफ द डेवलपमेंट्स इन ह्यूमन सिविलाइजेशन. कि मानव सभ्यता में किसने सबसे ज़्यादा विकास करने में हेल्प की है. And so, many of the developments in human civilization were brought about by young people. कहने का मतलब है जितनी भी हमारी developments हुई हैं ना, वो young लोगों के द्वारा हुई हैं. They were able to have a vision of the future because they were impatient with the achievements of the past. यहाँ पे राइटर क्या कहना चाह रहे हैं, दे वर एबल टू हैव अ विजन ऑफ द फ्यूचर. के मतलब उन्होंने गैस कर लिया कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फ्यूचर में हमें ये मिलेगा, बिकॉज दे वर इम्पेशेंट विद द अचीवमेंट्स ऑफ द पास्ट. कि पास्ट में जो भी हमारी यंग जनरेशन ने अचीव किया ना, उससे वो इम्पेशेंट थे, उनमें सब्र नहीं था, और वो उससे भी बेटर आगे वाली जनरेशन को देना चाहते थे. इसीलिए जो हमारी यंग जनरेशन है, क्योंकि देखो फ्रेश माइंड होता है, क्यूरियस होता है, तो वो देश की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाते हैं. इसीलिए राइटर यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो यंग जनरेशन है ना, उन्होंने बहुत हेल्प की है हमारी देश की उन्नति में. सो गाइज, ये थे लेसन नंबर 4 के ऑल द क्वेश्चन आंसर्स. आई होप कि वीडियो आपको क्लियर हो गई हो. फिर भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो.